नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ विकास कुमार विकास किचन वाला से। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं वेज मंचूरियन की ग्रेवी बनाऊंगा अगली वीडियो में, और पिछली वीडियो में आपने देखा कि वेज मंचूरियन के सॉफ्ट बॉल जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंडो चाइनीज़ रेसिपी का मसाला है, बहुत कुछ खास नहीं है। नमक है, अजीनामोटो, काली मिर्च, सोया सॉस, विनेगर, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, रेड चिली पेस्ट और कुकिंग ऑयल। बस इतनी सी चीज़ें हमारी मसाले में पर्याप्त होती है जिससे कि हम इंडो चाइनीज़ रेसिपी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको बनाना है इस तरह से मंचूरियन जो दिखे बिल्कुल ही लाजवाब और खाने में हो स्वादिष्ट और सॉफ्ट मंचूरियन बॉल बनाने के लिए हमारी देखिए ये वाली वीडियो, जिसमें हमने बनाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सॉफ्ट वेज मंचूरियन के बॉल्स। और ये ओनियन चॉप चाहिए होगा हमें, तो ओनियन चॉप कर लेते हैं। और हमें कुछ चाहिए होगा कोरिएंडर लीफ, धनिया, इसे भी चॉप कर लेते हैं। मंचूरियन में देखिए धनिया का बहुत ही मुख्य रोल होने वाला है, और धनिया के साथ साथ हमें स्प्रिंग ओनियन की भी ज़रूरत होगी। लेकिन चूंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं था, मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर रहता हूं, तो यहां हर सीज़न में ओनियन रिंग उपलब्ध नहीं होता, तो मैंने अभी नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल भी डालिए। और ये हमने कर लिया गार्लिक चॉप। गार्लिक चॉप के साथ साथ में हमें ज़रूरत होगी कुछ जिंजर चॉप की, तो जिंजर चॉप कर लेते हैं, गार्लिक, और ये चार सब्जियां हो गई। बिल्कुल फाइन चॉप करना है, ये बिल्कुल भी दांतों में लगना नहीं चाहिए। और गार्निशिंग के लिए मैं कुछ चुकंदर काट लेता हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्प्रिंग ओनियन से सजाइए, या चुकंदर काटिए, या टमाटर काटिए, आपको जो भी बेहतर लगता है आप उससे गार्निश करिए। गार्निश करना बहुत ज़रूरी होता है, गार्निश करने से डिश की एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि डिश कोई भी बनाइए, खाना कोई भी बनाइए, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ यूनिक तरीके से या बेसिक तरीके से या जो तरीके पहले से चलते चले आए हैं उन तरीक़ों से उन खानों को एक बार गार्निश ज़रूर करें सर्व करने से पहले। तो मैं यहाँ तीन तरीके से चुकंदर को काट लिया है, इसमें से जो भी तरीका मुझे पसंद आएगा मैं उस तरीके से इसको गार्निश कर दूंगा। तो पैन चढ़ा लेता हूँ, और पैन चढ़ाने के बाद मैं डालेंगे कुकिंग ऑयल। हालांकि हम लोग कुकिंग ऑयल कहते हैं, इसमें हमेशा खाने वाला ही ऑयल यूज होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं कि कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल डाल लिया। देखिए मसालों का मैं आधा चम्मच या एक चम्मच करके नहीं बताऊंगा, जब आप लगातार बनाएंगे कोई चीज़ तो ये आपको अपनी निश्चितता करनी होगी कि किस चीज़ में कितनी मसाले हमें यूज़ करने हैं। आप चुटकियों से मसाले डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय चम्मच के, क्योंकि चुटकियां जो होती है वो हमेशा आपके पास उपलब्ध होती है, आपके पास चम्मच जो है वो कभी उपलब्ध हो सकता है और नहीं उपलब्ध हो सकता। तो हमेशा चुटकी का अंदाज़ा बनाइए कि मुझे कितनी चुटकी मसाले डालने हैं। तो इसलिए मैं कोई माप तोल नहीं बताऊंगा, एक बेसिक चीज़ बताऊंगा और मसाले अपने हिसाब से डालिए। मैंने अदरक लहसुन पहले भूंजा है, फिर उसके बाद ओनियन डाल दिया है और ग्रीन चिल्ली डाल दिया है। तो इनको सौते कर लेते हैं। सौते आपको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे सौते करना है, ना ही गलाना है और ना ही इन्हें जलाना है। तो ये सौते हो जाएंगे, और सौते होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। पानी डाल दिया है हमने, और पानी डालने के बाद हमें इसमें डालना है मसाले, जो नमक हो गया, या अजीनामोटो डाल दिया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, फिर उसके बाद में रेड चिली पेस्ट डालेंगे। ये सभी चीज़ें आपको अपने स्वाद अनुसार डालनी होंगी। टमाटो सॉस डाला है, ये सोया सॉस डाला है, और विनेगर डालेंगे, एक बार मिक्स कर लेते हैं। और देखिए यदि आप बनाना चाहते हैं बिना अरारोट या कॉर्नफ्लोर के तो भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि अरारोट या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल आप करते हैं ग्रेवी में, ग्रेवी बहुत ही बढ़िया चिपक के आती है, इसका कोई भी चीज़ छिटकने नहीं पाएगा। कई बार आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको अरारोट डालना है, लेकिन नहीं, ज़्यादातर इंडो चाइनीज़ रेसिपी में यदि ग्रेवी का आइटम कोई बनाता है तो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई भी बताता नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नफ्लोर, दो में से जो भी आपके पास हो वो आप लगा लीजिए, ग्रेवी बिल्कुल थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जो कि आपके पनीर में या मंचूरियन बॉल में चिपकने में बहुत ही सहायता करने वाली हो। ग्रेवी बिल्कुल भी छिटक करके कहीं अन्य जगह पर नहीं जाएगी, चाहे वो गार्लिक हो या जिंजर हो या ओनियन हो या धनिया हो, जो भी होगा वो उस बॉल में चिपक जाएगा। तो ये
मैंने इसमें डाल दी है बॉल, इसको टॉस कर लेते हैं। और टॉस करने के साथ में ये बहुत ही देखिए खूबसूरत लग रहा है देखने में। और दोस्तों जब भी आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आपके दोस्त का चैनल है और जो भी जानकारी होगी जो भी सीक्रेट होगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। तो दोस्तों आपका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक बार चैनल को, ताकि मेरी अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। और इसे इस तरह से प्लेट में देखिए, आप बातों बातों में ही मंचूरियन तैयार हो गया बहुत ही इजी तरीके से, कोई भी एक्स्ट्रा फुंतड़म या तंतड़म नहीं है। और ये प्लेट में आ गया और इसे अब पनीर के साथ में पनीर ग्रेट करेंगे ऊपर से, और पनीर ग्रेट करने के साथ साथ में धनिया डालेंगे और जो मैंने चुकंदर काटा था उससे इसको गार्निश कर देंगे। और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन लाजवाब वेज मंचूरियन बनकर के तैयार हो चुका है। और आप बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।